एक ऐतिहासिक संकल्प और बिल लेकर उपस्थित हुआ। महोदय, मैं जो दो संकल्प और बिल लाया हूं उसमें कई सारे सदस्यों ने कुछ शंकाएं व्यक्त करी हैं, कुछ अपने विचार रखे हैं, कुछ जेन्युइन कंसर्न भी सदन के पटल पर रखे हैं, कुछ अपनी पार्टी की विचारधारा को भी लाइन को भी रखने का प्रयास किया है। मगर मैं सदन के सामने स्पष्ट करना चाहता हूं, एज अ लेजिस्लेटर मैं जब दोनों संकल्प और बिल लेकर आया हूं तो मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर में एक लंबे रक्तपात भरे युग का अंत धारा 370 के समाप्त होने से पहले। सभापति महोदय, मैं इसके विषय में जाने के पहले आज हमारे प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष और जिन्होंने धारा 370 को हटाने के लिए शहादत दी, वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी जरूर याद करना चाहता हूं। सभापति महोदय, मैं उन 41,849 लोगों को भी याद करना चाहता हूं जो कश्मीर के अंदर 89 से लेकर 2018 तक जो रक्तपात चला इसकी भेंट चढ़ गई। कह रहे हैं उस सदस्यों ने कहा कि इसका हिसाब कौन देगा, क्या होगा अंत। मैं पूछना चाहता हूं ये 41,849 लोग घाटी के और कश्मीर के मरे, इसका हिसाब किसको देना है। और मुझे बहुत स्पष्टता है ये 41,849 लोग, उनकी जान न जाती सभापति महोदय अगर धारा 370 न होती। पूरे सदन ने अलग अलग प्रकार से अपने विचार रखे और धारा 370 और 35A पर बहुत सारी बातें करी, मगर ज्यादातर बातें टेक्निकलिटी पर करें। धारा 370 की उपयोगिता के लिए शायद कोई कुछ नहीं। किसी ने कहा कि इतिहास का हिस्सा है, भारत का वादा था, हमारा कमिटमेंट था, वगैरह वगैरह वगैरह। मगर धारा 370 से भारत और विशेषकर जम्मू कश्मीर लद्दाख और विशेषकर घाटी को क्या प्राप्त होने वाला है वो किसी ने नहीं बताया। मगर मैं सबसे पहले सब चीजों को मैं डील करूंगा सभापति महोदय, परंतु सबसे मैं कहना चाहता हूं कि धारा 370 ने जम्मू कश्मीर लद्दाख और घाटी के लोगों का कितना नुकसान किया है। धारा 370 के रहते मैं आपको बताना चाहता हूं मान्यवर, कि अभी बताया कि 35 से और धारा 370 जाने से क्या हो जाएगा। मैं बताना चाहता हूं कि उदाहरण देकर मान्यवर, देश का विभाजन हुआ, पाकिस्तान की रत्ना हुई, देश भर में पाकिस्तान से निराश्रित लोग आए, पाकिस्तान से शरणार्थी आए, कुछ पंजाब में गए, कुछ गुजरात में गए, कुछ महाराष्ट्र गए, कुछ जम्मू कश्मीर में भी गए। मान्यवर, जम्मू कश्मीर में जो पाकिस्तान के शरणार्थी गए उनको आज तक नागरिकता नहीं मिली, वो वहां काउंसिलर भी नहीं बन सकते। क्या ये उनके साथ अन्याय नहीं है, अन्याय है या नहीं? और देश में क्या हुआ, इस देश को दो प्रधानमंत्री पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों ने दिए, श्री मनमोहन सिंह और श्री गुजराल साहब। कोई प्रधानमंत्री तो बन सकता है, और जम्मू कश्मीर में जिसने शरण ली वो काउंसिलर नहीं बन सकता है। ये कहां का अन्याय है? जो इसके पक्ष में खड़े हुए हैं उनको इसका जवाब देना चाहिए, ये कहां का न्याय है और क्यों क्यों अन्याय। मान्यवर, ये कहते हैं कि 370 और 35 से जाएगी तो कयामत आ जाएगी, और 370 के कारण ही जम्मू कश्मीर भारत के साथ जुड़ा। मैं इसके बाद बताना चाहता हूं, मगर मैं आपके माध्यम से सदन के सभी सदस्यों को, देश को और विशेषकर घाटी की जनता को बताना चाहता हूं कि 370 ने जम्मू कश्मीर लद्दाख और विशेषकर घाटी का क्या नुकसान किया। मान्यवर, 370 के कारण जम्मू कश्मीर में कभी भी लोकतंत्र परकोलेट नहीं हुआ। 370 और 35 के कारण भ्रष्टाचार बड़ा फला फूला, बड़ा पनपा और चरम सीमा पर पहुंचा।
370 और 35 के कारण ही गरीबी घर कर पूरे देश के अंदर विकास दिखाई पड़ता है। घाटी के गांवों को देखते हैं तब हृदय के अंदर संवेदना आती है, आंख में आंसू आते हैं कि आजादी के 70 साल के बाद ये क्यों गुर्बत में जी रहा है, क्यों गरीबी में जी रहा है। माननीय वहां के आरोग्य को भी इतनी सुविधाएं नहीं मिली, आरोग्य की भी, उसका कारण भी 370 है। विकास नहीं हुआ, जम्मू कश्मीर के विकास में बाधक भी 370 है। शिक्षा लेने के लिए जम्मू कश्मीर के बच्चों को देश भर के शिक्षा संस्थानों में जाना पड़ता है, इसका भी कारण 370 है। ये 370 मान्यवर महिला विरोधी भी है, दलित विरोधी भी है, आदिवासी विरोधी भी है और आतंकवाद की जड़ भी 370। मैं देख रहा हूं अभी सामने, मगर मैं सब चीजों का डिटेल जवाब देना चाहता हूं। मान्यवर, सबसे पहले मैं लोकतंत्र की बात करूंगा। इस देश के अंदर संविधान का 73वां और 74वां संशोधन आया, मगर चूंकि 370 थी वो जम्मू कश्मीर में अप्लाई नहीं हुआ, जम्मू कश्मीर में अप्लाई नहीं हुआ, देश भर के अंदर स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी लेकर आए, मगर जम्मू कश्मीर में अप्लाई नहीं हुआ। जब आजाद साहब मुख्यमंत्री थे तब भी नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि वहां धारा 370 थी और वहां कॉन्सेंसस नहीं बन पाता था। मान्यवर, पंचायत और नगर पालिका के चुनाव होते भी नहीं थे। आज भी वहां पर 73 और 74वां संशोधन लागू नहीं हुआ है। आज ये सदन पास करेगा, कल लोकसभा पास करेगी 73 और 74वां संशोधन, ऑटोमेटिकली जम्मू कश्मीर को अप्लाई। मान्यवर, पंचायत के चुनाव वहां नहीं होते थे, नगर पालिका के चुनाव नहीं होते थे। लेजिस्लेटर सुनकर मैं 25 लोगों ने कहा कि लेजिस्लेशन को क्यों भरोसा में। मैं पूछना चाहता हूं, 40,000 से ज्यादा पंच सरपंच का अधिकार 70 साल तक ले लिया, इसका जिम्मेदार कौन? इसका जिम्मेदार है 370। माननीय राष्ट्रपति शासन हुआ, राष्ट्रपति शासन में माननीय प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया और जम्मू कश्मीर के पंचायत एक्ट के तहत वहां चुनाव हुए। आज 40,000 पंच सरपंच गांव की सेवा सिद्धि कर रहे हैं, उनके हाथ में 3500 करोड़ रुपया पहुंचे। ये अधिकार नहीं मिला, मगर कोई नहीं बोलेगा। हमें कहते हैं वोट बैंक की राजनीति कर, क्यों घाटी में सिर्फ मुसलमान रहते हैं? क्या कहना चाहते हैं? घाटी में मुसलमान भी रहते, हिंदू भी रहते, सिख भी रहते, बौद्ध भी रहते, जैन भी रहते। धारा 370 अच्छी है तो सबके लिए अच्छी है और बुरी है तो सबके लिए बुरी है। हम धर्म की राजनीति नहीं करते। I shall now put the motion regarding consideration of the Jammu Kashmir reorganization bill 2019 to vote. I shall now put the motion regarding consideration of the Jammu and Kashmir reorganization bill 2019 to vote. The question is that the Jammu Kashmir reorganization bill 2019 be taken into consideration. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. No. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Division. 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 Okay. Please. Division. Lobbies. Result of the division on the motion for consideration subject to correction, ayes 125, noes 61, abstain 1. The motion is adopted. We shall now take up class by class consideration of the bill, class 2 to 103 and the first to 15 schedules. Stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. No. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Class 2 to 103 and the first to fifth schedule are adopted. Class 1, the enacting formula and the title stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. No. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Class 1, the enacting formula and the titles are adopted. Sri Amit Shah, Minister, to move that the bill be passed. सभापति महोदय, मैं इस बिल को पारित करने का प्रस्ताव करता हूं। Motion moved that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. No. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill is passed.